हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिंधु। सो कैप्सिकम चिली को कैसे ग्रो करना है, मतलब एसिडली, मतलब ये जो बीज को कैसे लगाना है, मैंने तो ये पार्ट वन में दे दिया है। तो ये आज है पार्ट टू। ये आप 2 वीक्स की बात की नज़र देखिए। एसिडलिंग 90% ये जो सीड्स है ये ग्रो कर लिया है। ये आप देखिए, पूरा सीड भर भर के ग्रो हो गया है थ्रे में। ये आप देख लीजिए सीडलिंग। तो इसको चलते हैं, ये सीडलिंग को कैसे लगाना है चलते दिखाते हैं। तो ये आप पूरी इसकी नज़र देखिए, ये पूरा जो सीडलिंग है ये अच्छे से ग्रो कर लिया बिल्कुल। तो पहले मैं इसको ये 4 इंच के गमले में, सॉरी 1 इंच के गमले में ये ट्रांसप्लांट करूँगा। ये आप देखिए 1 इंच के गमला। तो इसके लिए मैं पोटिंग मिक्स लिया हुआ, ओनली गार्डन सॉइल। ये आप गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं सीडलिंग को इस स्टिक से उठाऊंगा। ये आप धीरे से सीडलिंग है तो उठाए, इसको पॉट में ऐसे रख दीजिए। फिर ये जो गार्डन सॉइल है इसको, मैं और एक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये सोचा है तो बहुत लोग पूछते हैं कि ये 1 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है क्या, मतलब अगर आप ये 1 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधे की फैबिलिटी जो जिंदा रहने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और ये मैं 4 इंच के गमले भी ऑनलाइन से बाय किया था। ये देखिए, ये मैंने 20 गमले 200 रुपये में बाय किया था। और ये आप 4 इंच के गमले में भी आपको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। पर इसके पोटिंग मिक्स में मैं लिया हो 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 रिवर्स एंड 1/4 फार्मी कंपोस्ट एंड 1/4 कोकोबीज। तो ये बात ये है कि इसमें ओनली मैं गार्डन सॉइल लिया हूँ छोटे पट के लिए, पर इसके लिए क्यों मैं ये 4 कॉम्पोनेंट्स लिया हूँ। तो आप ध्यान रखिए, ये जो बारह पत है इसके, इसमें आप ये पौधे 1 मंथ रख सकते हो। सो इसके लिए पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके लिए मैंने ये सब दिया है। पर ये छोटे पत में अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे तो ये पौधे ओनली 10 डेज तक के रख सकते हो। सो 10 डेज के बाद आप दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना होगा। तो इसलिए मैं इसमें ओनली गार्डन सॉइल लिया हूँ। तो इसमें भी मैं दिखाता हूँ कैसे चलना है। तो ये पहले से ही मैं दे चुका हूँ ये जो पोटिंग मिक्स। तो इसमें थोड़ा सा बुराई करके ये पौधे को मैं बिछा देता हूँ अंदर। तो इसमें आप ऐसे 1 मंथ रख सकते हो और थोड़ा थोड़ा खाद देते रहिए 10 डेज के बाद। तो पानी कैसे देना है इसको, तो पानी आप ऐसे ये जो पानी दीजिए तो ये हो जाएगी। और ये जो सोते हैं तो मैंने 1 इंच के गमले में ट्रांसफर किया, इसके लिए आप ये एक बत्ती लीजिए। तो इसमें पानी भर के लीजिए और ये आप पौधे को इसमें डुबा दीजिए और इसमें आप अच्छे रख दीजिए इसको। सो ऐसे ही हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको इसको क्या क्या खाद देना है, क्या क्या फर्टिलाइजर देना है मैं आपको पूरा बता दूँगी। और इसको कैप्सिकम को कैसे हार्वेस्ट करना है वो भी आपको दिखा दूँगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।